हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को बनाने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि अचानक मेरे कृष्ण भगवान का बुलावा आ गया और मैं सब परिवार उनसे मिलने जा पहुंचा जगन्नाथ पुरी धाम। और उनके दर्शन करने के बाद आपके लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को बनाने के लिए जल्दी से अपने घर आ गया। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल, then click on bell icon and on all bell icon please press to get my all new updates। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए क्लास 7 के चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ्स के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट एनी 5 हाउसहोल्ड मशीन्स दैट हैव मेड लाइफ इजियर फॉर अस। किन्हीं 5 घरेलू मशीनों की सूची बनाइए जिन्होंने हमारा जीवन आसान बना दिया है। आंसर, प्रेशर कुकर, इंडक्शन प्लेट, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन एंड ऑटोमेटिक मॉप आर द 5 हाउसहोल्ड मशीन्स दैट हैव मेड आवर लाइफ इजियर। प्रेशर कुकर, इंडक्शन प्लेट, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन और स्वचालित पोछा, ये 5 घरेलू मशीनें हैं जिन्होंने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज साइंस कॉन्कर्ड टाइम एंड डिस्टेंस। विज्ञान ने समय और दूरी को कैसे जीत लिया है। आंसर, साइंस हैज नो डाउट कॉन्कर्ड टाइम एंड डिस्टेंस। निस्संदेह विज्ञान ने समय और दूरी को जीत लिया है। वी कैन मूव From one place to another very quickly। हम तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। By merely switching on the television set, we can get news of events happening around the world, sitting at our homes। केवल टीवी चालू करके हम अपने घर बैठे दुनिया भर में होने वाली घटनाओं की खबर प्राप्त कर सकते हैं। Our friends and family members are in touch all the time through phone calls and text messages। हमारे मित्र और परिवार के सदस्य फोन कॉल और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से हर समय संपर्क में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक का क्या योगदान है। आंसर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। विज्ञान और तकनीक का चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। क्योर्स फॉर डिजीजेस वुड नॉट बी एज डिफिकल्ट और अनअफोर्डेबल एज दे आर नाउ। बीमारियों का इलाज आने वाले समय में इतना मुश्किल या महंगा नहीं होगा जितना आज है। वेरियस लाइफ सेविंग ड्रग्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। जानलेवा बीमारियों को रोकने के लिए विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं का विकास किया गया है। इट इज लाइकली दैट सून रोबोट्स एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स वुड बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म रिस्की ऑपरेशंस एंड प्रोसीड्योर्स विथ अमेजिंग प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। यह संभावना है कि जल्द ही रोबोट और कंप्यूटर से नियंत्रित मशीनों को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ बना ली जाए जिसे जोखिम भरे शल्य चिकित्साओं और प्रक्रियाओं को अद्भुत दक्षता और सूक्ष्मता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, What are the ill effects of technology in the present time? वर्तमान समय में तकनीक के दुष्प्रभाव क्या हैं? Answer, the technology has undoubtedly made our lives better, but for their cozy comforts, people tend to be dependent on it so much that they can't even imagine living without it. तकनीक ने बेशक हमारे जीवन को बेहतर बनाया है लेकिन अपनी सुख सुविधाओं के लिए लोग इस पर इस कदर निर्भर हो गए हैं कि वे इसके बिना जिंदगी कल्पना भी नहीं कर सकते। दिस पॉइंटलेस
obsession and misuse of technology in our lives has left us dependent and weak. हमारे जीवन में तकनीक के व्यर्थ जुनून और दुरुपयोग ने हमें निर्भर और कमजोर बना दिया है. एंड क्वेश्चन नंबर 5, हाउ शुड वी मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक आवर लाइफ्स रिचर एंड बेटर. अपने जीवन को समृद्ध और बेहतर बनाने के लिए हमें तकनीक का उपयोग कैसे करना चाहिए? आंसर, वी शुड मेक यूज ऑफ मशीन्स बट आवर लाइफ मस्ट नॉट बी मैकेनाइज्ड. हमें मशीनों का उपयोग करना चाहिए लेकिन हमारा जीवन मशीनीकृत नहीं होना चाहिए. इफ वी कैन डू सो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू मेकिंग आवर लाइफ्स रिचर एंड बेटर. यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन को समृद्ध और बेहतर बनाते रहेंगे. समझ में आया क्वेश्चन और आंसर? गुड. तो फटाफट अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. और वीडियो पसंद आया? हाँ आया, वाह. तो जल्दी से वीडियो के नीचे लाइक बटन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को उन्हें जरूर शेयर कीजिए जो इससे लाभान्वित हो सके, या जिन्होंने इस वीडियो को आपके पास भेजा है उन्हें थैंक्स जरूर कहें, क्योंकि वो आपका जरूर बहुत ख्याल रखते हैं. तो इसका नोट्स बनाइए, इस वीडियो को बार बार देखकर क्वेश्चंस और इनके आंसर्स को समझने का प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी. इस चैप्टर के ट्रू और फॉल्स के साथ बहुत जल्द मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए. और इस चैप्टर के हिंदी एनालिसिस और फिल इन द ब्लैंक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए, सफलता और ज्यादा मिलेगी. ओके, थैंक्स.